अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफिया से होंगे। मैं हूँ जुनैर अशरफ और आज की वीडियो बेसिकली इंफॉर्मेटिव है। पहले मैं आपको माल चेक करवा देता हूँ, इन्फॉर्मेशन मैं आपको बाद में लेके दूंगा, ठीक है? ठीक है। और पहली फुर्सत में निकल। ये चीजें इनके भाई के पास तकरीबन मुझे जो लग रहा है वो 35 से 40 के करीब जानवर हैं। केयर माशाल्लाह ये अच्छी कर रहे हैं, चराई के साथ साथ ये जानवरों को जंतर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ जानवर माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में हैं, जैसा कि नागरे में कुछ आपको नज़र आ रहे होंगे, कुछ वाइट में भी हैं, जो कि एक स्ट्रगलिंग तो नहीं, स्ट्रगलिंग ही समझ लें, स्ट्रगलिंग गॉड फार्मर की निशानी भी हो सकते हैं। कामयाब बंदे इन्हें अच्छा नहीं समझते, लेकिन हम खुद स्ट्रगलर हैं तो हम इन्हें बहुत अच्छा समझते हैं। वीडियो शुरू करूँगा मैं, बस थोड़े से जानवर रह चुके हैं ये दिखाने हैं, तो बस 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 ये एक चीज़ चेक करवानी। माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं, कुछ लो में भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगा सारे ही अच्छे हैं, ये माशाल्लाह चीज़ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है जी। वीडियो शुरू करते हैं जी, वो भाई मालिक हैं उनसे बात करेंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है? उनकी एक स्टोरी आपको इंशाल्लाह बतानी है, तो चले जी वीडियो शुरू करते हैं। तो चले जी मैं भाई से बात करता हूँ, भाई इधर इस साइड पे आ जाओ। बेसिकली वीडियो पंजाबी में ही चलेगी, ठीक है? मैं कोशिश करूँगा ट्रांसलेट करने की, बाकी मुश्किल भी हो सकती है थोड़ी सी, है भाई? तो चले भाई से बात करते हैं। अच्छा आ जाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। वालेकुम सलाम। उर्दू सर चलेगी कि पंजाबी? पंजाबी चलेगी, ठीक है पंजाबी चलेगी। अच्छा प्यारे भाई तेरा नाम की है? मेरा नाम इफ्तिखार है। इफ्तिखार, इफ्तिखार भाई बकरियां माशाल्लाह मैं तड़ियां दोस्तों नु दिखा चुकी हैं, अच्छियां ने। सर कितनी देर का काम कर रहे? मैंने तकरीबन 14-15 साल। 14-15 साल। सर तड़ी एजुकेशन सुने कि तुसी पढ़े भी सी, कितनी है पढ़ी सी? हां जी मैं 9 पढ़िया होया ते 10वीं च छड्या सी। छड्या सी? ओ माय गॉड। सर मीन के बकरियां फिर क्यों आए? 9 हालांकि तुसी पढ़ चुके सी, बकरियां ली क्यों आए? बकरियां दा शौक सी मेनू, जे 2-4 रखियां सी। बेहतर है। फिर दोबारा उस तो बाद बकरा लिया शबाज को, शहर आले कक्की को, ओ तो बकरियां लिया 3-4, ओदे तो वादा हुंदा हुंदा माशाल्लाह। माशाल्लाह। दो बकरियां जिहड़ियां तुहाडे कोल शुरू ते स्टार्ट ते हैगियां सी, ओ किद्दां दियां सी सर? ओ नागरियां सी। नागरियां सी, ठीक है। ते ओना ते फिर तुसी मीन के माशाल्लाह हुण तुहाडे कोल किन्ने जानवर ने? हुण तकरीबन होणे 45-50 जानवर। 45 जानवर तुहाडे कल्ले दे ने जी? हां जी। कोई चराई चुराई वाला नहीं हैगा? नहीं कोई नहीं। बहुत आला सर। तुहानू किन्ने साल लग गए जी दो बकरियां तेनियां बनांदे नू? तकरीबन 14-15 साल। 14-15 साल विच सेल वगैरा भी करदे रहंदे? सेल भी करी दे। ए तुसी इहदा बकरा ने छड्दे रे किहदे कोल लिया के छड्दे? शबाज को, एक कक्की को। ठीक है जी। मुंडे कोलों यानी कि तुसी ए तेरा उस्ताद ए? हां जी इकट्ठे चरांदे यानी कि उस्ताद तेरा असल तेरा उस्ताद ए। इहदा नाम दस्स तक की? इहदा नाम दिलशाद। दिलशाद ए किहदे चक्की रहंदा? बकरियां माशाल्लाह ठीक है, तुसी उन्हां नाल कीता काम जी, तुहाडे कोल दो जानवर सी, तुसी उहदा वी चराई करवांदे सी या अपने घर रखदे सी? नहीं चारदे सी। इहनां दे नाल आए तुसी? हां जी नाल दो तीन बकरियां जदों नाल चारांगे। ठीक है। ते बाद च जिहड़े जानवर तुहाडे बणे ने ओह कुछ खरीद भी करदे सी तुसी या बकरियां दे बच्चे पैदा कर कर? बकरियां दे बच्चे पाले जी। माशाल्लाह। बाकी बकरियां लईयां 2-4 बकाया घरों पाले। बहुत आला हो। इहनां विचों फिर 2-3 लईयां फिर कम डबल डबल। माशाल्लाह। उत्तन उत्तन नूं जांदा रहे। बहुत आला हो गया सर। अच्छा प्यारे भाई तुसी दसो कि एक काम नवे बंदे करना चाहन किदां दा काम है? काम ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। तुसी 15 साल तो बकरियां चरा रहे, तुसी कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ जिंदे दा मतलब कि तुसी सानू अपनी ऐसी गल सुनाओ, बकरियां दा तुसी कोई चीज बनाई, अपना घर बनाया, कुछ कोई कीता हैगा? कोई सब कुछ ही बनाया। दसो तो सही ना दोस्तां नू हकीकत दसनी। घर भी बनाया, जगह लई, हर शय लई, शादियां कराईयां, 4-5 भरावां ने शादियां कराईयां, 2 बाहर गए होए। माशाल्लाह। बकरियां वेच के खलाए इहनां दे सिर तों। हां जी इहनां दे सिर तों। अच्छा 14-15 साल हो चुके, वो केड़ा आई मीन के कोई ऐसा साल गुजरिया तुहाडे च मीन के 45 तो ज्यादा जानवर तुहाडे को होए होण? हां जी होए। किन्ने सी सर? इस तकरीबन 60-65 तक गए, आप फिर सेल कर दी दे, कल्ला हैगा मैं चारन दी चराई। बहुत आला। बहुत आला सर। एक तुहाडे मुताबिक तुहाडा एक अंदाजा होएगा साल दा या एक महीने साल दा तुसी किन्ना क कमा लैंदे इहनां चों?
ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੇ ਸ਼ੱਕਰੇ ਪਾਲ ਲਈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਕਮਾ ਹੀ ਲਈਦਾ ਬੱਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੁੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਵੇਚ ਲਈਦਾ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ 8-7 ਸਿਰ 10 ਸਿਰ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤੇ ਗਰਮੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ हो जाता है बहुत आला हो गया सर ते तुसी नवे दोस्तों नु जेड़े नवा नवा काम शुरू करना चाहते ने उन्हां नु की कहोगे बकरी सस्ती लो या महंगी लो बकरी चंगी लैण महंगी लैण जिन्हां ने शौक करदा शौक करना एक गरीब बंदा वो महंगी बकरी नहीं खरीद सकदा उंदे लई कोई मशवरा दो सर मशवरा ओदे वास्ते की दे सकदे आ कि दोगली बकरी लवे या वड्डी नहीं बकरियां साडे वास्ते सानू एही नौकरी सारा कुछ एही है बहुत आला हो गया सर ठीक है जी माशाल्लाह एही नौकरी गुड हो गया सर ते सर जड़ियां हुन एक चीज होर असी मीन के ट्रेंड चल रहे आजकल के चीनी बकरी ते नागरा बकरा छड़िए रिजल्ट कैसा आएगा बच्चे किदा दे आणगे काले डब्बे होणगे या भी चिट्टे ही होणगे नहीं बकरा चंगा होएगा तो बच्चे भी चंगे जमणगे बहुत आला हो गया सर माशाल्लाह जी अच्छा इस टाइम माल तुहाडा दिखा रहे हैं तुहानू जड़ी माल चो सब तो अच्छी चीज जड़ी तुहानू लगदी सानू चेक करवा दिओ माड़ो फड़ लिया गया अच्छा जी भाई अब आपको चेक करवाएंगे जो इनकी फेवरेट बकरियां ना वो इनसे पूछा है तो ये चेक करवाते हैं इंदा भरा दित्ता सी छाने के आनु खास बकरा दा इंदा भरा गया सी उन्होंने बहुत ही मारे उन्होंने बकरा गाल लिया घूमन गया को ए गया सी अस पट दा भरा ये जी वो आ रही है इंदा शिकारी जेड़ा तो ये जी इनकी फेवरेट चीज है तो इसका मैं आपको ऊपर से चेक करवाता हूं माशाल्लाह भाई केयर बहुत अच्छी कर रहे हैं जानवरों की पेट आप चेक कर सकते हैं सर ये सुन वाली है माशाल्लाह ताड़ी जिंदगी जी तुसी मेन के 14-15 साल दा लाले हुन बकरी ने ज्यादा तो ज्यादा किन्ने बच्चे दिते हुए है ताड़े कोल मेरे कोल 4 बच्चे दिते चार दिते चार दे चार बच गए सी हां जी पाल जांदे जी माशाल्लाह जी क्या बात है दूसरी है जी माशाल्लाह इना दी फेवरेट सर ए बकरी कोई घर दियां ने हां जी घर दियां अच्छा इन्हां दी मेन के नस्ल दे बारे दसो ए राणा शहबाज वाली बकरियां चवाईयां ने माशाल्लाह सर ओ चक्कर होया जी क्या बात है ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬੱਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜੱਬਾ ਉਹ ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੀਡਰ ਹੈ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੰਤਰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਪਰ ਏਕੜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਰ ਇਹ 4000 ਦਾ ਦਵਾੜਾ ਦਵਾੜਾ ਮੀਨ ਕਿ ਏਕੜ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਕਿੱਲਾ 8000 ਚ ਪਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ 1 ਏਕੜ ਤੇ 45 ਜਾਨਵਰ ਮੀਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਂਦੇ ਆ 1 ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ 45 ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦਾ ਰਹੇ ਪੱਕਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਈਦਾ ਖਰਾਬ ਬੜਾ ਕਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ये जंतर जी तकरीबन कह रहे हैं अभी बड़ा है तो इसलिए काट कर डालते हैं बाकी जब छोटा था तो अच्छा ए मीन के जो शुरू तो फर्ज कीता मीन के जान जो जंतर 3-3 फुट का होंगे उदो बकरियां बेच छड़दी है बाद भी जंतर उगता रहा है बहुत आला हो गया सर किन्ने क लो दे जाता जंतर सर लो दो दिन है जी हूँ तुम इन बहुत आला हो गया सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਮਿਨ ਕੇ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲਿਆ ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬੋਂ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਫਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਚਾ ਜੰਤਰ ਖਲਾਈਏ ਫਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਫਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਫਲੀ ਵਾਲਾ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਤੋ ਮੈਂ ਜੀ ਇਨਸੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਛੱਡਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਜਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਬੱਕਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਪੱਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸਰ ਬੱਕਰੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਵੜ 'ਚੋਂ ਬੱਕਰੀ ਜੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਵੜ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲੀ ਬੱਕਰੀ ਨਸਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਸਰ ਐਵਰੇਜ ਬੱਕਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਐਵਰੇਜ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਵੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਉਹ ਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਗਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਪਰਲੀ ਉਹ ਪਾਟ ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 50000 ਦੀ ਦੇ ਦੇ ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਣਾ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕੋਈ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ठीक है भाई ने रेट मीन के वो नहीं कहा कि लाख 1.5 लाख वाला सीन नहीं है बहुत आला हो गया सर ठीक है माशाल्लाह जी
सर अपना नंबर बोलो। 0306-8490-6949-649। बहुत आला हो गया सर। तो चलें जी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह। हाँ कोई बकरा वगैरह सर, छोटा ब्रीडर मौजूद सेल फॉर सेल? अभी ये चेक करवा रहे हैं जो इनके ब्रीडर हैं। बाकी क्वालिटी आपके सामने होगी, आपने पसंद करके चीज लेनी होती है, ठीक है। एक ये दिखा रहे हैं सर, इनकी उम्र कितनी होएगी? उम्र तकरीबन 5 महीने। 5 माह इसकी एज बता रहे हैं। नकोड़ वगैरह इसका ये है, सींग इसके भी आप चेक कर सकते हैं। आला हो गया सर, छोड़ दिया। ये दोनों की ये। ये वो ब्रीडर, ब्रीडर नहीं बकरा, वो आप पे डिपेंड करना, आपने एज अ ब्रीडर लेना या एज अ इनके वेटर लेना। ये दूसरा माशाल्लाह जी, इनकी ये इनके कह रहे हैं इनकी वालदा है सर। बाकी तो मुझे कर जी, गुड हो गया सर माशाल्लाह, बहुत अला हो गया, छोड़ दो सर। तो चले जी, मैंने चीज़ें चेक करवा दी हैं, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ सर।